स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 4 जो आपका हीट का चैप्टर, उसके पार्ट 1 को हमने 2 दिन पहले आपको दिखाया था। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे हीट का। और इस पार्ट 2 में जो हम लोग का जो पहला पॉइंट बनता है वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। और इस ट्रांसफर ऑफ हीट फिनोमेना के अंदर हमारे ये सब सारे पॉइंट को डिस्कस करने हैं। कंडक्शन को करना है, कंडक्टर को करना है, इंसुलेटर को करना है, कन्वेक्शन को करना है, और उसी कन्वेक्शन में सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज फिनोमेना को हम लोग डील करेंगे, साथ ही साथ रेडिएशन को भी करेंगे। यानी कि इन सभी पॉइंट को हम सेकेंड पार्ट में डील करेंगे जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में मेंशनड है। तो पहला हम पॉइंट को उठाते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट का मीनिंग ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कहीं कोई एक पॉइंट को आप हीटिंग कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो दूसरे एंड पर वो हीट की इफेक्ट, टेम्परेचर की इफेक्ट ट्रांसफर हो। इसे फॉर एग्जांपल, जब भी हम हीट का ट्रांसफर करना होगा तो हमें मेटालिक सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी, मेटल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मेटल एक गुड कंडक्टर होता है टेम्परेचर को और हीट को कंडक्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में चाय बनाने के लिए टी पैन होगा, तो उसके हैंडल जो होते हैं उस हैंडल के ऊपर प्लास्टिक का एक बार लगा रहता है, या एक स्पेशलाइज्ड मटेरियल का लगा रहता है। जनरली आपने कुकर का हैंडल को देखा होगा, क्योंकि कुकर की टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है और वो हैंडल के सहारे से आप पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफी गर्म हो जाता है उसके हैंडल। और इस एक्सपेरिमेंट को और इस फिनोमेना को परफॉर्म करने के लिए आपके बुक में 4.6 एक्टिविटीज दिया गया है, जिसमें आप एक डायग्राम होगा जिसमें एक लोहे की बार पर वैक्स यानी मोम, जो कैंडल का वैक्स होता है, उसको कई पॉइंट पर लगा दिए जाते हैं और किसी एक पॉइंट को हम हिट करते हैं। तो अब हम उस एक्टिविटी को देखेंगे कि क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। ये कैंडल है, अब हमें इस कैंडल को जलाएंगे। और ये एक रॉड की बार है, बार है जिसको हम इस पॉइंट पर गर्म करेंगे, और ये वैक्स लगे हुए हैं, तो यहां हम गर्म करेंगे। तो हम देखेंगे कि पहले वैक्स कहां का ड्रॉप बनकर, लिक्विफाइड होकर नीचे गिर रहा है। ये देखिए, पहला गिरना शुरू हो गया, बच्चों इस पॉइंट को गौर से देखिए, ये गिरना शुरू हो गया। मैं एक ही पॉइंट पर, देखो गिरा, और ये मेटल बार के सहारे मैंने वैक्स को चिपका रखा था पहले, ये कूल था, देखिए ये पीछे का जो वैक्स है उसको गिरने में समय लग रहा है, पिघलने में समय लग रहा है, लेकिन ये काफी धीरे धीरे पिघल रहा है। देखो अब ये ड्रॉपलेट बन के गिरना शुरू हो गया। कैंडल की जो फ्लेम है वो एक ही पॉइंट पर है, इसका मतलब है हीट का ट्रांसफर हो रहा है। मेटालिक रॉड के एक पॉइंट को मैं गर्म कर रहा हूं,
और ये अब धीरे धीरे टेम्परेचर इसके पीछे के पार्ट पर जा रहा है। तो अब आप समझ लिए होंगे कि ये ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू गुड कंडक्टर और मेटल, लोहे की छड़ हो, आयरन की बार हो, अल्मुनियम का रॉड हो, कॉपर का हो या किसी और मेटल का हो, इसमें बहुत तेजी से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की कंडक्शन होती है। अब बॉयज आपकी एक एक्टिविटीज है इसके जस्ट बाद वाली, और आपके जो डायग्राम है कि आपने एक बीकर में बहुत सारे आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स हैं उसके जो आर्टिकल्स हैं उसको आप डालते हैं और फिर उस पानी को आप गर्म करते हैं। जैसे ये एक बीकर है, इसमें मैंने पानी लिया है, इसकी सेकिंग हो रही है और इसमें एक एक करके हम ऑब्जेक्ट को डालेंगे। ये डिवाइडर है, ये स्केल है, ये पेंसिल है जो उड़ के है और बीच में ग्रेफाइट दिया हुआ है, और ये एक ट्रायंगल मेजर करने का एक आर्टिकल है जो प्लास्टिक की है, कचकड़े की है, और इसको मैंने डाला। और अब मैं इसी जलते हुए कैंडल से इसको गर्म करूंगा। आप इस डेमोंस्ट्रेशन को घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन आप सावधानी रखेंगे, आप अपने पेरेंट के प्रेजेंस में इस ढंग की एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और आप कुछ देर 5 से 10 मिनट गर्म करने के बाद नेचुरली जस्ट 4 और 5 मिनट्स ज़्यादा नहीं, गर्म करने के बाद आप कैंडल के सहारे या कोई भी ग्लास में गर्म पानी भी लेकर आप कर सकते हैं। तो इसमें आप ये सब डालेंगे तो ये आर्टिकल से, अब मैं देख रहा हूँ कि जो ग्लास के सरफेस है, मैं इसको अपने फिंगर से टच कर रहा हूँ तो ये थोड़ी सी अब गर्म हो गई है, ये माइल्ड हीटिंग फेनोमेना दे रहा है। इसी चीज को मैं अगर 5 मिनट तक रखूँ तो नेचुरली पानी गर्म हो जाएगा और जो मेटल है वो मेटल इस टेम्परेचर को, इस हीटिंग इफेक्ट को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि जो प्लास्टिक के जो आर्टिकल डाले हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स डाले हुए हैं, वो बहुत हल्का टेम्परेचर को गेन करेगा और जो लकड़ी का वुड का जो पेंसिल हमने डाला है वो उससे भी कम करेगा। यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के बने हुए, ये कंडक्शन ऑफ हीट भी अलग अलग ढंग से करते हैं। अब मैं आगे की कार्रवाई करता हूं, इस चैप्टर का आगे की बात को मैं डील करता हूं। अब जैसे ये, अब इसको टच करने के बाद जब मैंने डिवाइडर निकाला तो ये हल्का, ये थोड़ी गर्म महसूस हो रही है स्किन पर, और इसमें लगभग नाक के बराबर, और ये पेंसिल, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी इस बुक्स में एक एक्टिविटी 4.7 है जिसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स को लेना है और थोड़ी इसी हीटिंग इफेक्ट से आपको कंडक्ट करना है। कहने का मतलब है कि इस टॉपिक में हम लोग ये कंडक्शन को हम लोग डील कर चुके, कंडक्शन